इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब पैनल को कॉफ आईसी को बॉन्डिंग करना होता है, उससे पहले जो खराब वाला आईसी है उसको निकालना पड़ता है। तो उसको हम कैसे निकालें, ठीक है? तो इसको निकालने के लिए इसको ऐसे ही खींचना नहीं है। अगर ऐसे ही खींचते हैं तो या तो ट्रैक्स खराब हो सकते हैं या आईसी खराब हो सकती है। तो उसके लिए हम इसको हीट करके निकालेंगे। उसके लिए ये हॉटगन के ऊपर हमने 350 के आसपास टेम्परेचर सेट किया है, तो उतने टेम्परेचर से हम इसको हीट करेंगे। गन को ऐसे थोड़ा क्रॉस रखना है, ऐसे सीधा नहीं रखना है, थोड़ा क्रॉस रख के इसको नज़दीक से हीट करना है। ऐसे आराम से घुमाते जाइए हीट। ऐसे 3-4 बार हीट करते हैं तो पूरा आईसी गर्म हो जाता है। फिर इधर कोने में से इसको आराम से धक्का लगाते जाएंगे तो आराम से वो आईसी निकल दी जाएगी। ज़बरदस्ती नहीं करना है वरना आईसी ख़राब हो सकती है। देखिए ये किसी भी साइड से रिलीज़ हो गया। उसके लिए ये टूथपिक में से एक टूल बनाया है जिसके सपोर्ट से हम आईसी को विदाउट फेल निकाल सकते हैं। ओके, अभी ग्लास साइड से निकालेंगे। ग्लास साइड में अगेन सेम प्रोसेस, उसको हॉटगन से हीट करना है। इस वक्त ये ख्याल रखना है कि ज़्यादा हीट स्क्रीन के ऊपर नहीं जानी चाहिए वरना उसका पोलराइजर जो है वो ख़राब हो सकता है। ये हीट किया, अभी इस तरफ से हल्का सा ये टूथपिक को लगा के ऐसे स्लाइड करते जाएंगे, धक्का लगाते जाएंगे तो आराम से आईसी निकल जाएगी, बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। ये देखिए निकल गया। ये इससे क्या होता है, गर्म करने से निकालने से आईसी ख़राब नहीं होती है और इसको हम वापस इसी को लगा भी सकते हैं या दूसरी पैनल में भी इसको क्लीन करके डाल सकते हैं। इसके बाद के दूसरे वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इसको क्लीन कैसे करते हैं।